अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उपमा की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। रेस्टोरेंट से भी अच्छा उपमा हम घर पर बना सकते हैं, जो हेल्दी भी होता है। ब्रेकफास्ट हो या शाम की छोटी सी भूख हो, उसको मिटाने के लिए आप ये बनाएं उपमा की रेसिपी एकदम परफेक्ट। और टिप्स और ट्रिक के साथ हम बनाएंगे इसे। तो चलिए बनाते हैं उपमा। तो उपमा बनाने के लिए एक कप मैंने सूजी ले ली है। देखिए ये कप से मैंने नापा है एक कप, तो ये कप हम डाल देंगे इसमें। तो ये पैन मैंने अब रख दिया है गरम करने। अब मीडियम फ्लेम पर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे, जब तक कि सूजी का कलर थोड़ा सा डार्क नहीं हो जाता। तब तक पहले हम सूजी को भून लेंगे। ये देखिए हल्का हल्का सूजी का कलर जो है वो डार्क हो गया है। चम्मच चलाते हुए मैंने इसे भूना है। तो इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब उसी पैन में हम डाल देंगे देसी घी लगभग 2 टीस्पून। घी में उपमा बनाने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ में 1 टेबलस्पून डालेंगे हम चना दाल और 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें उड़द की दाल। अब हम इसे पकाएंगे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो कड़कपन होता है दाल का वो भी चला जाए। तो ये देखिए 2 मिनट तक मैंने पकाया है। अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली। तो यहाँ पर मैंने ले ली है 3 टेबलस्पून मूंगफली। कच्ची मूंगफली का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तेल में ही मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए तेल में फिर से फ्राई करेंगे। और ये देखिए सिंग दाने को भी मैंने फ्राई कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर ज़ीरा और राई डालने वाली, तो ये साइड में मैंने कर दिया है। और जो घी है यहाँ पर उसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे और 1/2 टीस्पून डाल देंगे राई। राई और ज़ीरा अच्छे से तड़क गया है, ये देखिए हल्का सा सॉटे कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे और फिर से 1/2 मिनट के लिए भूनेंगे। 1/2 मिनट भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी प्याज कटी हुई, बारीक कट के लिया है प्याज को मैंने, और 2 हरी मिर्च कटी हुई, और मिक्स कर लेंगे और प्याज को हम सॉफ्ट होने देंगे। तो लगभग हम यहाँ पर भूनेंगे प्याज को भी 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि प्याज भी हमारी सॉफ्ट हो जाए। जब प्याज देखिए इस तरीके से सॉफ्ट हो जाए, तब हम इसमें ऐड करेंगे मटर। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 टेबलस्पून जितने मटर, साथ में कड़ी पत्ता 10 से 12। कड़ी पत्ते का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है उपमा में। तो इसे भी हम मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए भूनेंगे। 1 मिनट तक देखिए मटर के साथ भी मैंने भून लिया है, क्योंकि हमने ये कच्चे मटर का इस्तेमाल किया है, फ्रोज़न नहीं है। तो हम अब इसमें डालेंगे पानी। तो जो कप से मैंने सूजी नापा था 1 कप, वही कप से मैंने ऐड कर दिया है इसमें 3 ग्लास 3.5 कप पानी। जो कप से मैंने नापा था सूजी, वो कप से मैंने 3.5 कप पानी डाला है। नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार और मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढककर पकने देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि हमारे मटर भी थोड़े गल जाए और पानी में अच्छा बॉईल भी आ जाए। तो ये 3 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। देखिए इसे हम थोड़ा और पकाएंगे, क्योंकि मटर भी अच्छे से गलना चाहिए। तो इसे ढक रही हूँ मैं और 2 से 3 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर पकाना है, एकदम हाई फ्लेम पर नहीं, वरना पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा जल्दी। तो ये मीडियम फ्लेम पर मैंने टोटल 6 मिनट तक पकाया है। और ये देखिए हमारे मटर भी थोड़े थोड़े गल गए हैं, अब सूजी के साथ भी थोड़े गल जाएंगे। तो यहाँ पर अब हमने ऐड कर देना है सूजी यानी रवा। तो जो हमने सूजी भून ली थी वो हम डाल देंगे। और इस तरह से देखिए आपको ऐड करना है, ताकि इसमें लम्प्स ना हो। तो चम्मच चलाते हुए और सूजी हमें ऐड करना है इस तरीके से, और मिक्स करते ही रहना है, वरना इसमें लम्प्स हो जाएंगे। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट आपका उपमा बनेगा जब आप ऐसे बनाएंगे। तो ये देखिए मैं लगातार चम्मच चलाते हुए ही इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और जब हम सूजी भी ऐड करेंगे, तब चम्मच चलाते रहेंगे और सूजी ऐड करते जाएंगे। अब हमें इसे इसी तरीके से मिक्स करते रहना है, जब तक कि पूरा पानी मिलता नहीं। ये देखिए इस तरह से सूजी जो है वो बहुत जल्दी पानी सोख लेता है। तो ये देखिए हमने इसे 2 मिनट तक पकाना है। तो मैं ढककर अब इसे 2 मिनट तक पकने दूंगी। 2 मिनट तक मैंने और सूजी को पका लिया है मिक्स करने के बाद। और ये देखिए तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 टीस्पून देसी घी डाल देंगे, साथ में कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, क्योंकि धनिए का टेस्ट सभी चीज़ों में बहुत अच्छा आता है, और मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा बहुत ही टेस्टी उपमा बन के तैयार है, जो हेल्दी भी है और टेस्टी तो है ही, और आपको बहुत पसंद आएगा। रेस्टोरेंट में जैसा मिलता है उससे कई ज़्यादा अच्छा, या स्ट्रीट फूड में अगर आप खाते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा ये घर पर बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, और ये हमारा मज़ेदार उपमा अब सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मटर भी हमारे एकदम अच्छे से गल चुके हैं। तो ये गर्मा गर्म अब हम सर्व करेंगे। तो मैं इस तरह से सर्व कर रही हूँ,
तो ये देखिए जो वाटी में मैंने निकाला था सूजी उसी में डालकर मैंने इस तरह से सर्व कर लिया। बहुत ही गर्म है ये और ये हम इस तरह से सर्व कर लेंगे, गार्निश कर लेंगे अब हम इसे हरे धनिए के साथ। तो आप भी अगर उपमा बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से बनाएं, आपका परफेक्ट उपमा तैयार होगा और बहुत ही मज़े का भी बनेगा। तो हमने गार्निश कर लिया है इस तरीके से मटर मूंगफली हरे धनिए के साथ और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कोई भी लम्स इसमें नहीं है और ये बहुत ही टेस्टी भी बना है और एकदम परफेक्ट हमारा उपमा ये बनकर तैयार हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।